सल्तनते उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुंतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। रजाकाराना तौर पर खुद को वो टीका लगा दिया है मैंने। ये पानी के जखीरे की तरफ जा रहा है, ये सारे शहर में जरासीम फैलाना चाहता है। उस सिफारत खाने वाले लड़के ने मुझे बेनकाब किया है। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, उसने हमारे मंसूबे को भी बेनकाब किया है। मुझे बस ये डर है कि कहीं आपको खो ना दूं मैं। किसी हाल में आप मुझे यहां से जाने से नहीं रोक सकते। जाओ। अलविदा पप्पी जान। अलविदा बेटी। बहुत दिन हो गए अपने अहले खाना को नहीं देखा आपने। जाओ बच्चों अपने बाबा के पास। आ जाओ मेरे बच्चों। मैं आपके साथ नहीं जा सकता। कमालुद्दीन आ गए। आ गया और अब कभी नहीं जाऊंगा। मैं खत में तफसीलात लिखकर महल में छोड़कर आई हूं। उम्मीद है कि वो उन्हें मिल जाएगा और हमें बचा लिया जाएगा। या अल्लाह। आसन, आप डरपोक हैं, बहुत बड़े बुजदिल हैं आप कमालुद्दीन पाशा। खदीजा और नाइमे दोनों ही मेरी बेटियां हैं, लेकिन अफसोस है कि दोनों ही ने आप जैसे कमजोर इंसान से मोहब्बत की। नाइब वजीर दाखला तौफीक पाशा। जी मेरे सुल्तान। अल्लाह के फजल करम से हमने हैजे पर काबू पा लिया। अल्लाह का बहुत शुक्र है सुल्तान मुअज्जम। मालूम हुआ है कि इस साजिश के पीछे अंग्रेजों का हाथ है। हम पर इल्जामात लगाने वाले अखबारात का क्या कहना है सुल्तान मुअज्जम? वो अखबारात अंग्रेजों के खिलाफ सबूत मिल जाने के बावजूद भी उसी तरह झूठी खबरें छाप रहे हैं और हकीकत को तस्लीम नहीं कर रहे। वो यही करेंगे, यही करेंगे। वो झूठ लिखना नहीं छोड़ेंगे। आप इन झूठी खबरें शाया करने वाले अखबारात के बारे में मालूमात हासिल कीजिए, इसका कोई हल निकालते हैं हम। जैसा आपका हुक्म। बाज मसाइल ऐसे हैं जिन पर हमारी खसूसी नजर है। रुमेली रेल के सफर के रास्ते में बकरकोई के मकाम पर खस्ता हाल झोंपड़ियां मौजूद हैं, जिनसे पाए तख्त की खूबसूरती मान पड़ रही है। वो शहर किसी जहां बल्लभ बच्चे की तरह था, जिसे हमारे जद ने जंग के दौरान एक कातिल के कब्जे से आजाद करवाया था। उस्मानी हुकूमत ने उस बच्चे को पाला पोसा। वो शहर हमारे दीगर शहरों से जुदा नहीं पाशा हजरत। वहां भी खूबसूरत चश्मे मौजूद हैं, कुदरत की बेशुमार निशानियां हैं उस शहर में। इस्तांबुल इस्लाम का शहर है। मुसलमानों का फर्ज है कि रास्ते में पड़े हुए पत्थर को भी हटा दें, एक कांटा भी हो तो रास्ते से दूर कर दें। तो क्या हम उस शहर को उसके हाल पर छोड़ दें? सुल्तान मुअज्जम, आप हमें हुक्म दीजिए।
कि हम उस जगह का नक्शा बदल दें। दूसरी अहम बात, सरों के दरख्त खराब हो रहे हैं, माहौल को आलूदगी का खतरा है। हमने दुनिया के कोने कोने से मुख्तलिफ पेड़ पौधे मंगवाए हैं, इस्तंबोल की फिजा में इनकी नशोनुमा देखेंगे, लेकिन इस्तंबोल के मकामी दरख्तों की हालत खराब है। अगर शहर के दरख्त बीमार होंगे तो लोग भी बीमार हो जाएंगे। तौफीक पाशा, ज़राअत के शोबे के तालिबे इल्मों को यह जिम्मेदारी सौंपी है। पाए तख्त में मौजूद एक एक दरख्त की खुसूसी देखभाल होनी चाहिए। तमाम जरूरी इकदाम कीजिए। बाग में मौजूद फूलों और दरख्तों की देखभाल खुद करेंगे हम। जैसे आपका हुक्म सुल्तान मौसम। वो मेरी शादी तौफीक पाशा से करवा रही है। ये तो बहुत खुशी की बात है। बेदार सुल्तान का एहसान मानना चाहिए तुम्हें फिरोजे। बेदार सुल्तान मेरे साथ कोई अच्छाई नहीं कर रही, ये मुझे शहजादे से दूर करने के लिए कर रही है वो। फिरोजे, तुम्हारा मुस्तकबिल शहजादे से वाबस्ता होना हरगिज़ मुमकिन नहीं। तुम्हें ये शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारे लिए एहसास की बात है ये। उससे मिलके तुम्हारी राय बदल जाएगी। नहीं बदलेगी, लेकिन रस्म और रिवाज की खातिर मिल लूंगी मैं उससे, और फिर बीदार सुल्तान से कह दूंगी कि मुझे नहीं पसंद। अगर वो ना मानी और इसरार किया तो? बीदार सुल्तान मुझे रोकने के लिए चाहे कोई भी हरबा इस्तेमाल कर ले। शहजादा अब्दुल कादिर से शादी करके रहूंगी मैं, सुल्ताना बनूंगी मैं, फिरोज़े सुल्तान। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए, कितने दे दूं? हमें नहीं चाहिए, शुक्रिया। कल आपसे खरीदारी की थी हमने, लेकिन रकम नहीं थी उसके लिए। हमारे साथ जो लड़की थी उसने आपको हार दिया था, वो हार वापस चाहिए हमें। वो तो बेच दिया मैंने। फिर आप अभी इसी वक्त जाएं और हार वापस लाएं। ये बहुत ज्यादा है, हम आपको और भी रकम देंगे हार लेकर महल आ जाएं। महल में लाऊं? जी, यिल्दिज़ महल आकर कहिएगा कि शहजादा अब्दुल कादिर से मुलाकात करनी है, वो आपको अंदर ले आएंगे। शहजादे हैं आप? अब्दुल हमीद के साथ तेल की जंग खत्म हो चुकी है, हम हार चुके हैं, और अब हम लोग एक नया महाज खोलेंगे, कभी खत्म ना होने वाला महाज। गालिब मोहतरम, हम हर वक्त हालत जंग में हैं, डर है कि वो हमारी पुश्त पर हमला ना कर दें। मेरा भी यही हाल है, 70 साल से लड़ रहा हूं मैं, लड़ाई जारी है अभी भी। किसके साथ? नफ्स के साथ। अब तक लड़ रहा हूं लेकिन मेरी कमर नहीं टूटी। क्या इसका कोई राज है? बिल्कुल है, बताता हूं। अगर पानी कश्ती में दाखिल हो जाए तो वो गर्क हो जाएगी, लेकिन अगर कश्ती के नीचे रहे तो तैरती रहेगी। वो जिसे नफ्स कहा जाता है, हम उसे अगर अपने दिल में दाखिल कर लें तो दिल काला हो जाएगा। इसलिए नफ्स को हमेशा पैरों के नीचे रखें, अपने रोंद डालें। नफ्स के साथ जंग है, जानते हैं हम, लेकिन रियासत के, दीन के और मिल्लत के दुश्मनों का क्या करें? हमारे नफ्स की कई हजार चालें होती हैं और दुश्मन के हजारों बहाने। दोनों शैतान की सुनते हैं मेरे सुल्तान, समझाता हूं। अब्दुल हमीद का अपने लोगों के साथ ताल्लुक इंतहाई मजबूत है, हमें सुल्तान को उसके लोगों की नजरों में गिराना होगा। कैसे? झूठे किस्सों से। आप लोग अखबारात में अब्दुल हमीद के खिलाफ झूठी खबरें शाया करें। यूरोप के लोग इन खबरों पे यकीन कर लेंगे, लेकिन तुर्कों का यकीन करना मुश्किल है काफी। 3 लोग भी अगर कहीं जमा हो तो हम उन्हें सुल्तान के खिलाफ भड़काएंगे कि वो
انقلاب کے لیے تیار ہوں قوم کا اعتبار ریاست اور عبدالحمید پر سے ختم کرنا ہے صحیح کہا آپ نے اگر سپاہی ایک دو شہریوں پر بھی حملہ کر دیتے ہیں پھر سب لوگوں کو لگے گا جبر ہو رہا ہے اور اس طرح سب کی سوچ بدل جائے گی لیکن سب سے پہلے عبدالحمید کے جبر کا یقین کرنا شرط ہے وہ لوگ جو ریاست سے باہر ہیں انہیں قوم کے حالات بتائیں گے جلا وطن لوگ وطن کی محبت کی وجہ سے نکالے گئے قوم کو یہ بتانا ہوگا جلا وطن کیے گئے لوگ مقالات لکھیں گے اس کے بعد جلا وطن کیے جائیں گے عبدالحمید اپنے وطن سے محبت کرنے والے لوگوں کو جلا وطن کر رہا ہے نوجوان عبدالحمید کی نفرت کی وجہ سے سرکاری اداروں میں زبردستی داخل ہو جائیں گے اور پھر عسکری اداروں میں بھی سپاہیوں کے درمیان بھی حال ہی میں مخالفت سامنے آئی ہے پاشا حضرات آگے بڑھنے کی کوشش میں پستی کا شکار ہو جائیں گے ایک وقت آئے گا جب عثمانی قوم میں ایک بھی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جو عبدالحمید کے خلاف کھڑا نہیں ہوا ہوگا شیطان کی صرف ایک چال نہیں ہے بلکہ ہزاروں چالیں ہیں وہ لوگ آپ کو قوم سے دور کرنے کی کوشش میں لگ جائیں گے قوم کی سوچ کے ساتھ کھیلیں گے کیسے روکے انہیں ہم آپ اس قوم کے بادشاہ ہیں میرے سلطان اپنے نوجوانوں کا خیال رکھیں دس گاہوں میں کام سے محبت کرنے والوں کو بھیجیں ان کے حالات سے باخبر رہیں خیال رکھیں ان کا ہم اکیلے ہیں اور وہ بہت زیادہ کافر غزوہ بدر میں مسلمانوں سے زیادہ تھے حضرت علی کی طرح ذوالفقار جب تک لہرائیں گے نہیں غالب نہیں آ سکیں گے وہ ہر طرف سے حملے کریں گے تعداد میں زیادہ ہوں گے لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے عبدالحمید پر ہر لمحہ کوئی نہ کوئی حملہ کیا جا رہا ہوگا آخر میں جب اسے چاروں طرف ناکامی نظر آئے گی تو ہم لوگ اس پر آخری جان لیوا حملہ کریں گے ہمیں شروعات کر دینی چاہیے کیونکہ اب نہ مجھ میں صبر باقی ہے نہ ان نوجوانوں میں جو میرے ساتھ ہیں کرتے ہیں شروعات ولادیمیر عبدالحمید پر ایسی ضرب لگائے گا کہ ہل جائے گا وہ کیا کرے گا وہ بلغاریا میں وارنا میں مسلمانوں کا قتل عام کرے گا ہرسل ان کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا وہ شور مچائیں گے مدد کی بھیک مانگیں گے مگر ان کے پاس موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچے گا آ جائیں صحت یابی مبارک ہو پاشا شکریہ میرے سلطان شکر ہے ٹھیک ہو گیا میں لیکن ایک اور مصیبت آ گئی ہے سر پہ ہمارے محل کے لوگوں کی خوشیاں اور غم سب برابر ہوتے ہیں اور اس محل سے باہر نہیں جاتے لیکن آپ کے چہرے سے صاف ظاہر ہے کہ
आप कोई बुरी खबर लाए हैं। तहसीन पाशा की जगह नहीं ले सकता मैं, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द वापस आएंगे, क्योंकि जो खबर लेकर आया हूं मैं उनके बोझ में इजाफा करेगी। बताइए सुल्ताने मुआज़्ज़म, वारना की जामिया मस्जिद पर हमला हुआ है, बल्गारिया के लोग नमाजी के रूप में दाखिल हुए थे मस्जिद में, उन्होंने तमाम नमाजियों को कत्ल कर दिया। बच्चे भी शामिल थे उनमें। किसने किया है ये? वो बल्गारिया के लोग थे सुल्तान मुअज़्ज़म, अभी मजीद मालूमात नहीं मिली। जनाब पारवुस, माफ कीजिएगा मगर बल्गारिया वाले जब मुसलमानों का कत्ल कर रहे थे तो आपको उनकी कामयाबी का इस कदर यकीन कैसे था? यूरोप में अखबारात में ऐसी खबरें छपी हैं जिनमें इल्जाम बल्गारियों पर लगाया गया है। तो क्या लगता है कि मुसलमान इस मुसीबत पर खामोश रहेंगे? उनके हाथ में जो कुछ भी आएगा वो उसी से हमला कर देंगे, और फिर यूरोपीय अखबारात में जो हम चाहेंगे वही लिखा जाएगा। तो खून बहाकर इब्तिदा करना चाहते हैं आप? मुसलमान और ईसाई एक साथ कैसे रह सकेंगे? 80 साल से उनके दरमियान फासला है। अब हर कौम को वतन जाना होगा अपने, तुर्क वस्ती एशिया की तरफ, और यहूदी वहां जहां उनके रब ने उनसे वादा किया है। हाँ, सलीबी लश्करों ने 6 मरतबा इसकी भरपूर कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। मगर हम कामयाब होंगे, हम नई और पुरानी निशानियां जमा करेंगे। खुदावंद ने उन लोगों को फजीलत बख्शी जो उसकी हुकूमत कायम कर सके, और इसराइली हुकूमत इंजील के मुताबिक कयामत के करीब होने की निशानी होगी। इबादतगाह में खून बहाया गया, जिसने भी हरकत की है वो पछताएगा पाशा। छोटे बच्चों से और इबादत करने वालों से उनका क्या लेना देना, भला उनसे कैसी दुश्मनी? इस्लाम के लिए वो समझते हैं कि मुसलमानों को मारकर इस्लाम को खत्म कर देंगे। वो नहीं जानते कि पहाड़ भी मुसलमान है, चरिंद परिंद भी मुसलमान है, नहीं जानते कि सारा आलम मुसलमान है, ये जमीन भी मुसलमान है। उन कातिलों को तलाश करें पाशा, मुसलमानों से कहें तहम्मुल से काम लें, इस वैश्याना का रवाई का कोई ना कोई मकसद जरूर है, मुसलमानों को तैश दिलाना चाहते हैं, रियासत में अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं वो लोग, उनकी हर साजिश को नाकाम बनाएंगे हम, ना ही वो कामयाब हो पाएंगे और ना ही हम उनसे डरेंगे पाशा। मामले की तह तक जाएंगे हम, जो गलीज साजिश उन्होंने रचाई है उन्हीं के खिलाफ जाएगी। आखिर कहां हो तुम खदीजा?
आपकी रिहाई के फौरन बाद ही हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। हमने कुछ जगह देखी है, हमें उम्मीद है कि पसंद आएंगी आपको। खदीजा, आपके साथ दुनिया के आखिरी कोने तक जा सकता हूँ मैं। हम एक साथ इतना खुश रहेंगे कि माजी की हर मुसीबत, हर तकलीफ भूल जाएंगे। जिंदगी भर इंतजार कर सकते हैं हम आपका। कहाँ हो खदीजा? मेरे दिल की सुल्ताना, कहाँ हो आखिर? बीदार सुल्तान ने आपकी खूबसूरती का जिक्र किया था, लेकिन एतराफ करता हूं कि इतनी उम्मीद नहीं थी। ये खुश करने के लिए कह रहे हैं मुझे? अभी तो कुछ कहा ही नहीं। बीदार सुल्तान हमें एक दूसरे के लिए मुनासिब समझती हैं। उनकी इस मेहरबानी के बदले मेरा फर्ज है कि आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दूं। फिरोजी बाजी की शादी इनसे होगी? आपको कैसे लग रहे हैं ये? बहुत अच्छे शहजादी, मुनासिब हैं ये एक दूसरे के लिए। सादिया, यहाँ क्या कर रही हैं? फिरोजी बाजी को देख रहे हैं हम। दरअसल फिरोजी से इनकी शादी की बात चल रही है। ये दोनों मुलाकात के लिए आए हैं और शहजादी इन्हें देखना चाहती थी। जंग मुश्किल होती जा रही है मुरादाफंदी। वो अब तक हमारे तेल के जखायर के पीछे थे। जब उन्हें अंदाजा हुआ कि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे, तो उन्होंने इंतहाई घटिया और जालिमाना वार शुरू कर दिए। क्या हुआ सुल्तान मोहजम? वारना की मस्जिद में मुसलमानों को शहीद किया गया है। उनका मकसद वाज़े है मेरे सुल्तान। अब वहां के मुसलमान बल्गारियों को मारेंगे, जिस पर बल्गारिया मगरिब से मदद मांगेगा, और यही मगरिब चाहता है। पहले उनके सफीर आएंगे, उसके बाद लश्कर पहुंचेंगे उनके। बल्गारिया के बहरी रास्ते पर कब्जा करके उस खत्ते को हमसे जुदा कर दिया जाएगा। क्या उन्हें रोकेंगे नहीं? हम जरूर रोकेंगे, लेकिन जान लो, तारीकी की तरह मुसल्लत होना चाहेंगे वहां पर। टिड्डियों की तरह हमलावर होंगे, ना अखलाक की पासदारी करेंगे ना कवानीन की। उनके साथ हम भी वैसा ही सलूक करेंगे मेरे सुल्तान। मुसलमानों के पास जंगी अखलाकियात हैं मुरादाफंदी। हम मुसलमान हैं, हमारा रवैया इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए। हम पेश कदमी जरूर करेंगे, लेकिन इस तरह जिससे इस्लाम का बोलबाला हो जाए। जालिम को मिटा कर ही रहेंगे हम, लेकिन किसी की हक तलफी किए बगैर। हम मुसलमान हैं मुरादाफंदी, ये कभी मत भूलना। मगरिब कभी इंसाफ की पासदारी नहीं करेगा, हमेशा कमजोर पर जुल्म किया है उसने। वो वक्त दूर नहीं जब मजलूमों की आहें इसे ले डूबेंगी। बहुत सारे मुसलमान अब बल्गारियों से लड़ाई झगड़े शुरू कर देंगे। हमसे वो लोग चाहते क्या हैं? जब मुसलमान हमला शुरू करेंगे तो रूसी सल्तनत अपने बल्गारी भाइयों की हिफाजत के लिए आगे बढ़ेगी। ये उस्मानियों का दाखली मसला है। बल्गारिया का शहजादा फर्डिनेंड जब तक हमसे मदद की दरख्वास्त नहीं करेगा, हम कैसे दखल अंदाजी कर सकते हैं? और सुल्तान अब्दुल हमीद भी इस दखल अंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। आप अपने मुल्क से एक कमेटी यहां बुलवाएं। ये कमेटी बल्गारिया के देहातों में मसीहियों की हालत इजहार पर एक रिपोर्ट बनाएगी, और बल्गारिया के सरबराह को जो मालूमात फराहम की जाएंगी, उसकी बुनियाद पर उन्हें भड़काया जाएगा। कैसे? वारना में उस्मानी लोगों के नाम से आप उन्हें मारेंगे। अगर फर्डिनेंड को ये यकीन हो जाए कि रूस उनके साथ है, तो वो बगावत से नहीं डरेगा। इस दी गई जिम्मेदारी को शहंशाह रूस जरूर पूरा करेंगे।
शहजादे, मुझे आपके आने की तवक्को नहीं थी, हैरान कर दिया आपने। हैरान तो हम हुए हैं, नहीं जानते थे शादी करने वाली हैं आप। नहीं शहजादे, मेरी नियत में ऐसा कुछ भी नहीं। खुद देखा था हमने आप दोनों को, काफी खुश नजर आ रहे थे आप दोनों। नहीं शहजादे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब्दुल कादिर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम बात करने आए थे फिरोजे से, कोई खास मामला नहीं। मुबारक हो आपको। शादी की बात आपने बताई अब्दुल कादिर को? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया उन्हें, हमें खुद ही देखा था उन्होंने। अच्छी बात है। फिरोजी, पाशा को आप बहुत पसंद आई हैं, वो जल्द शादी करना चाहते हैं। सुल्ताना, बहुत अच्छे इंसान है वो, लेकिन मैं उनसे शादी के लिए राजी नहीं हूं। लेकिन क्यों? आप इतना अच्छा मौका क्यों जाया कर रही हैं? क्या वजह है इसकी फिरोजे? सुल्ताना, शादी के लिए मोहब्बत का होना जरूरी नहीं है क्या? मुझे कोई मोहब्बत नहीं उनसे। तो आपको किससे मोहब्बत है? हमारे शहजादे से? देखो बेटी, जब से आप महल आई हैं, अब्दुल कादिर की तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आपको यहां रोकने का वाहिद मकसद शहजादी सादिया की खुशी थी। आपकी जिम्मेदारी शहजादी सादिया का ख्याल रखना है, शहजादे अब्दुल कादिर का नहीं। हमारा मशवरा है कि आप अपना मुस्तकबिल बर्बाद मत कीजिए, हम आपकी शादी बहुत जल्द करवा देंगे। आप भी इस महल से चली जाएंगी बहुत ही अदब और आदाब के साथ, और सादिया को भी कोई एतराज नहीं होगा इस पर। मस्जिद पर हमले में 156 मुसलमान शहीद हुए, उनमें 12 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के गवाहों के मुताबिक हमलावर बल्गारिया के लोग थे। लेकिन जहां तक रूसी सिफारतखाने का ताल्लुक है, वहां सूरत हाल मुख्तलिफ है, बल्कि उन लोगों के मुताबिक वो लोग शहीद नहीं हुए बल्कि आपस की लड़ाई में मारे गए हैं। ये बात रूस से मिलने वाले इस खत में बताई गई है हमें, लेकिन हमारा एक नुमाइंदा भी उनसे पहले मस्जिद नहीं पहुंच सका। रूसी सिफारतकार हमारे नुमाइंदे से पहले मस्जिद कैसे पहुंच गए? जनाब वजीर आला, क्या हमारे नुमाइंदों के दरमियान कोई इख्तलाफ है? बदकिस्मती से सुल्तान मौजम, हमारे नुमाइंदे अपने इलाकों की हसासियत को नहीं समझते। अगर ऐसा है तो फिर किसी ऐसे को भेजा जाए जो एहसास रखे। उस्मान पाशा, आप अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके वहां जाइए, हालात का मुशाहिदा कीजिए और अपने नुमाइंदे वहां भेजिए। जो हुक्म मेरे सुल्तान। पाशा हजरत, यूनान के साथ उनका तजर्बा नाकाम रहा था, अब वो बल्गारिया के जरिए जंग की आग भड़काना चाहते हैं। असल में इस साजिश के पीछे बालकान है, उनकी सारी साजिशें बालकान को तबाह करने के लिए है। और अगर हम जीत गए तो क्या होगा फिर? बालकान बारूद की तरह है, उस्मानियों ने वहां के लोगों को 500 सालों से मुत्तहिद करके रखा है, एक चिंगारी से बर्बादी के शोलों में गिर जाएगा और ये शोले सदियों तक भड़कते रहेंगे। वहां काम करने वाले नुमाइंदे और सिपाही मुकम्मल होशियार रहें, उस्मानी लश्कर की जानिब से उन पर एक गोली भी नहीं चलनी चाहिए। हमारे जद फाते ने उस इलाके के लिए यह कवानीन मुरतब किए थे कि उस्मानी उनकी हिफाजत करेंगे और उनकी इबादत गाहों का मुकम्मल एहतराम किया जाएगा।
लेकिन दुश्मन ये चाहता है कि हम बल्गारियों को धोखा दें, यूनानियों को और सर्बियों को भी पीठ दिखाएं। अगर हमने ऐसा कर दिया तो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। सुल्तान मुअज्जम, उधर चेचनिया के मुसलमान भी हैं। मगरिब ये बात नहीं जानता कि हमारे उनसे ताल्लुकात कभी ना टूटने वाले फौलाद की तरह हैं। बोस्निया का महल, मोस्तर, येनिफाजर, सेनिचा, अगर ये इलाके सर्बिया और बल्गारिया में शामिल हो जाएं, तो ना ही हम उनसे मिल सकेंगे और ना वो हमसे। कर्ज से ज्यादा इस कुप्चे पाए तख्त से करीब है, लेकिन हकीकत यह है कि हम तमाम मदद तलब करने वालों को मुस्बत जवाब नहीं दे सकते। हमारी तख्त नशीनी के पहले माह में रूसी पाए तख्त के करीब पहुंच चुके थे। वो चाहते थे कि जंगी तबादले में बोस्निया उनको दे दिया जाए, मगर बोस्निया के क्या ख्यालात थे जानते हैं आप? वो किसी भी सूरत में हमसे जुदा नहीं होना चाहते थे। हमेशा सुरखरू होते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जुग्राफिया सारा सल्तु गाजी और मुराद अव्वल की कोशिशों से मुस्लिम खत्ता बन गया। पाशा हजरत, तारीख में यह नहीं लिखा जाएगा कि यह जमीन सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में छीनी गई। इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा हैं दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। सुल्ताना, खदीजा सुल्तान घर आ गई क्या? खदीजा अभी तक घर नहीं आई। हम तो समझ रहे थे कि तलाश कर लिया होगा उन्हें आपने। अफसोस, बंदर का समय हर जगह देख लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सुल्ताना, शहजादी अगर अंदर हैं तो खुदा के लिए मुझसे मत छुपाइए, उनसे जरूरी बात करनी है मुझे। हमारी बाजी यहाँ नहीं आई, और अगर आप ही गई तो उनके पास आपसे बात करने के लिए कुछ नहीं होगा। और कितनी तकलीफें पहुँचाएंगे आप उन्हें? मौत के मुँह में चल गई थी वो और अब गायब हो गई है। न जाने हमारी बाजी किस हाल में होंगी। नहीं, वो बिल्कुल ठीक होंगी। मैं महल के सिपाहियों को उन्हें तलाश करने के लिए हर जगह भेजूंगा। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। महल में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। भाई को क्या जवाब देंगे हम? देखिए, इससे पहले कि किसी को भी खबर हो इस बारे में, हमें इस मसले को हल करना होगा। हर मसले की वजह आप हैं, तो खदीजा को भी ढूंढ कर लाना आप ही की जिम्मेदारी है। जाइए। ठीक है, मैं लेकर आऊंगा उन्हें। कहाँ होंगी बाजी? रूस में खबर पहुंची है कि बल्गारियों को तकलीफें पहुंचाई जा रही हैं। रूसी अपने बल्गारी भाइयों के लिए बहुत परेशान हैं। क्रीमिया के मुसलमान भी मस्जिद में शहीद होने वाले अपने मुसलमान भाइयों के लिए उतने ही परेशान हैं। क्या यही कहने आए हैं आप? रूस के शहंशाह बल्गारियों की हिफाजत के लिए वारना में इस हादसे की तहकीकात के लिए एक वफ्द भेजना चाहते हैं। वो बहुत फिक्रमंद हैं बल्गारी शहरियों के लिए। हम भी फिक्रमंद हैं, वो भी हमारी रियासत के शहरी हैं। हमें ये लगता है कि आप ज्यादा अहमियत नहीं देते अकलियतों को। दूसरी हुकूमतें हमारे शहरियों के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही हैं, जैसा कि अमरीकी हुकूमत आर्मीनियों के साथ। फ्रांसीसी भी ऐसे ही हैं। अंग्रेज रूमियों के करीबी दोस्त हैं, और रूसी सर्बिया और बल्गारिया की हिफाजत चाहते हैं। ऑस्ट्रिया को भी ना भूलें। हमें बस ये बताएं, मकसद क्या है आपका? सारी दुनिया में ईसाइयों और दीगर मजाहिब की आजादी चाहते हैं हम। तो इसीलिए आपने उदेसा में यहूदियों का कत्लेआम किया। ये बात जान लें, आपके वफ्द को आने की हरगिज इजाजत नहीं है। ये उस्मानियों का दाखिली मामला है, जा सकते हैं आप। मेरे सुल्तान, आपने वफ्द को आने की इजाजत क्यों नहीं दी? हमने फिलहाल इजाजत नहीं दी है। सफीर अच्छी तरह जानता है कि मिदत पाशा की वजारत के दौर में बर्लिन में एक मुआहदे पर इत्तेफाक हुआ था कि ऐसी किसी सूरत हाल में
वो अपना तहकीकाती वफ्द हमारी इजाजत के बगैर यहां भेज सकते हैं। अफसोस के माजी में ऐसे मुआहदों पर दस्तखत किए गए, ये सफीर वापस आएगा। मेरे ख्याल में उनका वहां जाना बेहतर साबित होगा। वो क्यों? जाए वकूअ को देखकर हकीकत का पता चल जाएगा, वो जान जाएंगे कैसे बलगारियों ने मुसलमानों को मारा था। उनकी नियत हकीकत जानने की नहीं है पाशा, वो सच्चाई से बेखबर नहीं है। तो फिर उनकी नियत क्या है मेरे सुल्तान? वो बल्गारिया की हिमायत हासिल करेंगे, उनकी हिफाजत का यकीन दिलाएंगे, हमारे खिलाफ बगावत पर उकसाएंगे उन्हें और कहेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और बल्गारियों का हौसला बढ़ जाएगा। बिल्कुल, लेकिन हम वफ्द को वहां जाने की इजाजत नहीं दे सकते। आपके हुक्म के मुताबिक हमने 3 मुस्लिम देहातों और 3 बलगारवी देहातों पर हमले किए। और असलहा? वो हमले की जगह पर छोड़ दिया। हमारे लोग मुसल्ला हैं। बहुत जल्द उस बारूद की बू सुल्तान तक पहुंच जाएगी। खूब व्लादिमीर, बहुत खूब। बगावत के लिए क्या इतना काफी है? फर्डिनेंड इस काम की इजाजत कभी नहीं देगा। बलगारवी शहजादे का लकब और मशरिक में रुमेली का मुहाफिज उसे अब्दुल हमीद ने बनाया है। अब्दुल हमीद से डरता है वो, उसकी इजाजत के बगैर वो सर भी नहीं उठाता। लेकिन अगर उन्हें रूसियों की जमानत मिल जाए तो सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। रूसी हमारी मदद करेंगे? वारनामे उस्मानियों के नाम पर धमाका करने के लिए वो मेरे हुक्म के इंतजार में है। हमें उनके लोगों के ठिकाने कैसे मालूम होंगे? उनके ठिकाने अब्दुल हमीद से मैं खुद मालूम करूंगा। शहजादे, मैं हूं फिरोजे। आइए। रोमानिया से 50 सालों से तेल निकाला जा रहा है। अमरीकी और बरतानवी इदारे तवील अरसे से लड़ रहे थे इस तेल की खातिर, और हमारा दुश्मन इदारा जीत गया। मेरी मालूमात के मुताबिक रोमानिया की सरहद के करीब
بارنا کے اطراف مخصوص علاقوں سے تیل کے ذخائر مل سکتے ہیں عظیم سلطنت کی حدود کے اندر جی بالکل بیٹھئے جانتے ہیں سلطان نے تیل کی تمام اراضی سرکاری خزانے کے تحت کر دی ہیں یعنی وہاں سے تیل دریافت ہوا بھی تو ہاں بالکل سمجھ سکتا ہوں میں اپنے دوست عبدالحمید کو اچھی طرح جانتا ہوں یعنی اگر تیل دریافت ہوا تو وہ ریاست کی ملکیت ہوگا اگر آپ کہیں تو ساتھ وارنا جا سکتے ہیں ہم ممکن نہیں آج کل وہاں کے حالات کافی خراب ہیں کیا واقعی؟ تو پھر ہم وہاں کے نقشوں پر کام شروع کر دیتے ہیں اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو بارنا کے جغرافیہ نقشے دے دیں تاکہ ہم تیل کی موجودگی کی جگہ کا تعین کر سکیں جب حالات معمول پر آ جائیں گے تو ہم ان مقامات پر جا کر کام شروع کر دیں گے جی بالکل کام سے پہلے تیاری ضروری ہے لیکن آپ کو نقشے دینے سے پہلے سلطان معظم کی اجازت لینی ہوگی مجھے جی ضرور ضرور لگتا ہے انہیں وہ خط نہیں ملا وہ ہمیں ضرور بچا لیتے اگر مل جاتا دعا کرو کہ انہیں وہ خط مل جائے یہ ہمیں کب آزاد کریں گے بابا مجھے نہیں معلوم ہم یہاں سے بھاگ جائیں میں ایک بار کوشش کر چکا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا بارو صاحب کا حکم ہے کہ تم لوگ یہاں سے بھوکے نہ جاؤ کھا لو کہاں لے کے جا رہے ہیں یہ لوگ جہاں سے واپسی نہیں ہوگی ہماری اس علاقے کے تمام نقشے محل سے رہائی کا سن کر حقیقتاً بہت خوشی ہوئی وہ دراصل صباحت تین نے کل انہیں بازار سے گزرتے ہوئے دیکھ لیا تھا یہ ایک بہت طویل ساحلی پٹی ہے صحیح جگہ ڈھونڈنے میں وقت لگے گا مقام کا تعین آج ہی کیا جائے گا تھیوڈور ہرزل کی ہمارے دشمنوں کے ساتھ انتہائی قریبی دوستی ہے یہودیوں کا سربراہ ہے یہ میرا شوہر گریفینٹ نہیں ہے یہ پاروس کا ہی آدمی ہوگا میرے سلطان ممکن ہے کہ یہی شخص پاروس ہو